मैम, आप अपना नाम बोलिए और आप मतलब कितने टाइम पे आप मतलब इनको पढ़ाती हो? मुझे लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए आपको? ठीक है, मतलब आप अकेले यहाँ पे मतलब पढ़ाती हो, मतलब किस क्लास से और किस क्लास तक आप पढ़ाते हो? यहाँ पे 8th वाले बच्चे भी होते हैं, 9th वाले भी। 9th वाले भी? आप 9th वालों को भी पढ़ाते हो? फिर भी 4000 ही मिलते? फिर भी आपको 4000 मिलते हैं? आप तो इस साल बोल रहे थे 10000 पे। मतलब आप किस जोन से आप मतलब ये आप अनंतनाग जोन से आते हो? CEO अनंतनाग आपका श्री गफा है। आपका वो जाड़ियो कौन है, उसका नाम क्या है? इस इलाके को क्या कहते हैं यार? क्या कहते हैं इसको? तकरीबन आज सर ये तकरीबन 4000 फीट पे है, मतलब उससे ज्यादा है ना। महीने की इस साल तो उन्होंने 10000 दिए। 10000 दो महीने के लिए आपने आपको हायर किया है उन लोगों ने? 6 महीनों के लिए किया, पता नहीं। 6 महीने? ठीक है। हाँ मैम, आप बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। मैम मतलब कहाँ तक पढ़ा है आपने? हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक आप। हाँ अच्छा, ये आपका घर है, यहाँ पे आप रहते हो है ना? यहीं पे आप रहते हो। बारिश भी हो गई है अभी बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन देखिए आप कितना मतलब खूबसूरत, आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मौसम कितना खूबसूरत है, टेंट भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं। ये हम देते हैं, ये हम मैम, ये हम यहाँ पे आ गए। आप बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ा मैम, वी आर वेरी हैप्पी, बट अभी यहाँ पे बारिश हो रही है। देखिए आप अभी पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है बारिश की वजह से। देखिए कितने मतलब नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पे मतलब तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे जो हमारा टीम पहुंचा है अभी मतलब हम स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे आ गए हैं, SMI आरविनी के साथ, और यहाँ पे मेरे साथ आदिल सर भी मौजूद है और असलम सर भी यहाँ पे है, वो भी यहाँ पे आ गए। तकरीबन हम 5000 फीट मतलब हाइट पे आ गए हैं अभी, ठीक है मैम। तो हम जितनी आपको तारीफें की जाए उतनी कम, क्योंकि आप यहाँ पे भी मतलब इन बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है। नहीं देखिए आपको यहाँ पे आपको यहाँ पर कोई यहाँ पे हाँ कोई बोर्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब बच्चों के लिए यहाँ मतलब बच्चों को किसी बच्चे को के पास पेन नहीं होती है कॉपी में कुछ, और एक ही मैम यहाँ पे पढ़ाती है, एक ही मैम यहाँ पे पढ़ाती है, और वो भी मतलब 4000 तनख्वाह पे अभी काम कर रही है, मतलब ये आप हाँ अभी वो भी श्योर नहीं है कि इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे ये मैम इनको मतलब तालीम फराहम करती है। तो मैम हम वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, हम इंशाल्लाह इस वीडियो को हम अपलोड करें। आपका नाम क्या है? शबनम अख्तर। फादर का नाम क्या है? मेरी तो शादी हो गई। आपकी शादी हो गई है, तो इस एरिया का नाम क्या है? इस एरिया का नाम है आड़ू। तो आप मतलब जोन श्री गफारा में आते हो, अनंतनाग, श्री गफारा अनंतनाग में, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आदिल सर आप मतलब मुझे थोड़ा बोलिए कि यहाँ पे कोई मतलब कोई सामान यहाँ पे मौजूद नहीं है जो पढ़ने के लिए लगता है, क्या बोलना चाहते हो आप इसके बारे में कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए खसूसन इन बच्चों के लिए? देखिए मतलब इनकी तालीम कितनी इम्पोर्टेंट है, अगर ये मतलब पढ़ेंगे तो मतलब इनके माँ बाप कितने खुश हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज मतलब विदाउट एजुकेशन आप देखेंगे कि मतलब आज का दौर जो एजुकेशन के बगैर। हाँ आप अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस टाइम कि ये मैम इतनी कोशिश कर रही है, वो भी एक खुले में, बारिश तो पड़ रही है लेकिन ये पढ़ा रही है, एंड वो भी विदाउट एनी मतलब गुड स्टेप पेरेंट्स, मतलब ऐसे पढ़ा रही है जिसमें मतलब कुछ नहीं मिलता है। 4000 ये तो कुछ नहीं है, हम अगर देखेंगे कि दिन का खर्चा हम लोगों को 4000, तो ये मैम एक तो पढ़ा रही है, दूसरा ये कह रहे है कि मैं जिनके बुक्स जो है वो भी अफोर्ड करती है, वो भी खुद अफोर्ड करती है, तो वी आर वेरी प्राउड। तो दूसरा ये है कि गवर्नमेंट तो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं है किसी जगह गवर्नमेंट नजर आ रही है, वी आर वेरी डिस्ट्रेस्ड। कोई भी फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी, हाँ असलम सर आप बोलिए, मतलब कोई फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है, कम से कम टेंट होना चाहिए क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे। हाँ हाँ क्या आप भी बोलिए यहाँ पे, हाँ क्या होना चाहिए? कम से कम टेंट होना चाहिए, बच्चों को बोर्ड होना चाहिए, कुछ यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है बच्चों को। हाँ देखिए अभी बारिश हो रही है, हम भी अभी बारिश में बैठे हैं, अभी मैम पढ़ा रही थी, अभी उसने छुट्टी की है, देखिए बारिश हो गई। अब देखिए वो यहाँ पे इस छोटे से कोठे में बैठे हैं, जो मतलब ऊपर जो छत है उसका वो मड़ का है, वो मड़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो मड़ का यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे भी जब ज्यादा बारिश होगी तो ठीक है,
तो बारिश उसके बीच में भी आती है और वो अंदर दाखिल होती है। आप यहाँ पे बच्चों को देख सकते हो, ठीक है। तो हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका ख्याल करे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे मैम ने हमरे साथ कोई बात शेयर की है उस पर गौर करे, ठीक है, ताकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो है वो आला तालीम तक मतलब रसाई हासिल करे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए छोटे छोटे बच्चे, और ये अंदर आप देखिए कि मतलब यहाँ पे कितना अंधेरा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है और ये छोटे छोटे बच्चे अभी आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ज्यादा बारिश हो गई तो मतलब इसके बीच में बारिश आती है, ठीक है, आप छत भी देख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज अनसेफ, यू नो दैट। तो कम से कम अगर इनके लिए एक टेंट यहाँ पे वो फराहम करे, ठीक है, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मतलब तालीम हासिल कर सके, ठीक है। तो इतना बजट यहाँ पे एजुकेशन पे खत्म होता है, ठीक है। तो एक बोर्ड इनको होना चाहिए, एक टेंट इनको कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, वो मैम अभी बोल रही है कि आई एम जस्ट टेकिंग 4000 पर मंथ, ठीक है, और वो भी कंफर्म नहीं है। और ये अपने जेब से उनके लिए, ठीक है, मतलब बुक्स को भी अवेलेबल मतलब करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी साहब से कि वो मतलब इस केस को आगे बढ़ाए, और आप सबसे गुजारिश है कि इसको आप इंशाल्लाह शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल, थैंक यू आदिल सर। और यहाँ पे आदिल सर जो है वो एक मतलब अपनी तरफ से अपना पेन नहीं दिया, एक भाई का अपनी बहन को गिफ्ट है, एक भाई अपने बहन के लिए, देखिए आप, मैं बहुत मतलब खुश हो गया। ये हमारी बहन है और ये हमारे छोटे छोटे भाई है, ऐसी मेहनत कर इंशाल्लाह अल्लाह ताला। तो यहाँ पे और एक पेन जो है यासिर सर इनको मतलब अपनी तरफ से गिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारी भी यही गुजारिश है एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को, 6 महीनों के लिए 10000 देंगे, लेकिन आपने खुद देखा कितनी। देखिए मैम, एक मैम मतलब 9th क्लास 10th क्लास तक पढ़ाती है, ठीक है। आप देखिए कि मतलब ये कितना डिजर्व करती है, ठीक है। मतलब जो हमारे एरियाज में अनंतनाग में बहुत सारे ऐसे मतलब इदारे हैं जहाँ पे बच्चे 7 है और टीचर 14-14 है, ठीक है, और एक एक टीचर 50-50 हजार रुपए तनख्वाह लेता है। और यहाँ पे हमारी बहन है, मतलब इस एरिया का नाम क्या है, आड़ू कोट पथरी, मतलब ये तकरीबन जो ग्राउंड लेवल से तकरीबन 5000 फीट पे वाका है, ठीक है। एंड शी इज जस्ट टेकिंग 4000, ठीक है। आप खुद सोचिए कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है और ये कितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आई कैन जस्ट कॉल इट ह्यूमन राइट्स वायलेशन। मतलब जो हमारी सिस्टर है यहाँ पे, मतलब कम से कम 5-6 टीचर्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए और ये मतलब इसको परमानेंट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये परमानेंट बेस पे होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे, हाँ, जैसे बाकी टीचर्स को तनख्वाह मिलता है वैसे इसको भी मिलना चाहिए कि इतनी डिफिकल्टी में ये पढ़ाती है, ठीक है। तो यही गुजारिश है हमसे कि आप मतलब इस पे ध्यान रखेंगे आगे, ठीक है, और बाकी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसका ख्याल करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, वी होप सो, ठीक है। तो आप सबका शुक्रिया, मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सारे टीचर्स और हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।